19वां एशियन खेलों का समापन हो चुका है। चीन के होंगजोउ शहर में भारत ने 100 से ज़्यादा मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। तो फ्रेंड्स, जो 19वां एशियन गेम्स है 2023 वाला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि 19वां एशियन गेम्स जो 2023 में हुआ है, इसका आयोजन 2022 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसका आयोजन 2023 में हुआ है। इसलिए एशियन गेम्स 2023 भी बोल सकते हैं और एशियन गेम्स 2022 भी बोल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 19वें एशियाई खेलों की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा बी, चीन। 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में चीन पहले स्थान पर रहा है। आइए टेबल से समझते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 383 मेडल जीते हैं, जिनमें 201 गोल्ड मेडल है, और दूसरे नंबर में जापान है, टोटल मेडल 188 है जिनमें गोल्ड मेडल 52 है। तीसरे नंबर में रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टोटल मेडल 190 है जिनमें 42 मेडल गोल्ड है। चौथे नंबर में इंडिया है, टोटल मेडल 107 जिनमें गोल्ड मेडल 28 है। फ्रेंड्स, टेबल को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इस टेबल से 3 से 4 सवाल बनते हैं। जैसे 19वें एशियन गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीता है, या सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीता है, या फिर 19वें एशियन गेम्स में भारत किस स्थान पर रहा है, इसी तरह के और सवाल बनेंगे। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ए, हांगझाउ, चीन। चीन के हांगझाउ शहर में 19वें एशियन गेम्स का आयोजन हुआ है। फ्रेंड्स, ये है हांगझाउ शहर का इमेज। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। संस्करण 19वां, आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023। उद्घाटन कहाँ हुआ? ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर हांगझाउ, चीन में। मोटो की बात करें तो मोटो है हार्ट टू हार्ट एट द फ्यूचर। ऑफिशियल थीम सॉन्ग With You and Me। चीन ने 3 बार एशियन गेम्स की मेज़बानी की है, 1990, 2010, 2023। भारत की तरफ से शामिल एथलीट 655। अगला सवाल, 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? फ्रेंड्स, इस सवाल में पूछा गया है कि 19वें एशियन गेम्स का ऑफिशियल मास्कोट क्या है। इसका राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, चेनचेन, कोंगकोंग, लियान लियन। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये तीनों रोबोट हैं। ये नीला वाला चेनचेन है, येलो वाला कोंगकोंग है, ग्रीन वाला लियान लियन है। आइए डिटेल्स में समझते हैं। 19वें एशियाई खेलों में 3 रोबोट शुभंकर मेमोरीज ऑफ जियांगन शामिल थे। 3 रोबोटों में कोंगकोंग लियांगझू शहर के पुरातत्वीय धरोहर को दर्शाता है, जबकि लियान लियन पश्चिमी झील का प्रतीक है। तीसरा रोबोट चेनचेन बीजिंग हंगजो ग्रैंड केनाल को दर्शाता है। अगला सवाल, भारत 19वें एशियाई खेलों की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है सी, चौथे। 19वें एशियाई खेलों में भारत चौथे स्थान पर रहा है। आइए टेबल में समझते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि चाइना नंबर 1 पे है 383 मेडल लेकर। भारत चौथे स्थान पर रहा है 107 मेडल लेकर, जिनमें 28 गोल्ड मेडल है। अगला सवाल, एशियाई खेल 2022-23 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? इसका राइट आंसर है सी, उपर्युक्त दोनों। पहला हरमनप्रीत सिंह, दूसरा लवलीना बारगोहेन। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हरमनप्रीत सिंह और ये है लवलीना बारगोहेन। फ्रेंड्स, आपको मैं फिर इमेज में दिखाता हूँ, ये है हरमनप्रीत सिंह और ये है लवलीना बारगोहेन।
19वें एशियाई खेल के ध्वजवाहक थे भारत के। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। 19वें एशियाई खेलों का समापन 8 अक्टूबर 2023 को हुआ, जिसमें भारत ध्वजवाहक पीआर श्रीजेश थे। ये है फोटो पीआर श्रीजेश की। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका राइट आंसर है बी, पुरुष शूटिंग टीम ने। 19वें एशियन गेम्स में पुरुष शूटिंग टीम ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। प्रतियोगिता निशानेबाजी पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल। टीम दिव्यांग सिंह पनवार, रुद्राज पाटिल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह। अगला सवाल, 19वें एशियाई खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? इसका राइट आंसर होगा चीन। आइए डिटेल में टेबल से समझते हैं। फ्रेंड्स, टेबल को ध्यान से देख लीजिएगा। इस टेबल से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। चीन ने 19वें एशियन गेम्स में सबसे ज़्यादा 201 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल 383 मेडल्स हैं, और जापान ने 52 गोल्ड मेडल और टोटल 188 मेडल्स हैं। रिपब्लिक ऑफ कोरिया 42 गोल्ड मेडल और 190 टोटल मेडल हैं, और भारत 28 गोल्ड मेडल हैं और टोटल 107 मेडल्स हैं। अगला सवाल, 20वें एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है बी, आईची नगोया जापान में। 2026 में 20वें एशियन गेम्स का आयोजन जापान के आईची नगोया शहर में आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एशियाई खेलों का। एशियाई खेल 4 वर्ष के अंतराल में खेला जाता है। पहले हम वर्तमान में खेले गए एशियाई गेम्स के बारे में जानते हैं। 19वां एशियन गेम्स चीन के हांगजाउ शहर में खेला गया है। इससे पहले 18वां एशियन गेम्स 2018 में इंडोनेशिया के जयकार्ता शहर में खेला गया था, और 20वां एशियन गेम्स 2026 में जापान के आईची नगोया शहर में खेला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पहला एशियन गेम्स कब और कहां खेला गया था? पहला एशियन गेम्स 1951 में भारत में खेला गया था। आइए डिटेल्स में जानते हैं। 18वें एशियन गेम्स 2018 इंडोनेशिया के जयकार्ता और पालेमबांग शहर में आयोजित हुए थे। भारत ने 18वें एशियाई खेल में 70 पदक जीते थे, जिनमें 16 स्वर्ण, 23 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल थे। 2018 में हुए एशियन गेम्स को टेबल से समझते हैं। नंबर 1 में चीन था, टोटल 289 मेडल जीते थे, जिनमें 132 गोल्ड मेडल शामिल था। नंबर 2 पे जापान था, टोटल मेडल 105 थे, जिनमें 75 गोल्ड मेडल शामिल थे। नंबर 3 में साउथ कोरिया थे, इसका टोटल मेडल 177, जिनमें 49 गोल्ड मेडल शामिल था। और भारत की बात करें तो भारत 70 मेडल के साथ 8वें स्थान पर था, जिनमें 16 गोल्ड मेडल शामिल था। अगला सवाल, एशियन गेम्स की शुरुआत कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर है डी, 1951। एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में हुई थी। आइए डिटेल्स में जानते हैं। 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली, भारत में। अगला सवाल, भारत में अब तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है? इसका राइट आंसर है सी, 2। एशियाई खेलों का आयोजन भारत में 2 बार हुआ है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। भारत ने अब तक 2 बार एशियाई गेम्स की मेज़बानी की है। पहली बार 1951 में उद्घाटनकर्ता थे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बार 1982 उद्घाटनकर्ता थे राष्ट्रपति जयल सिंह। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2022 में भारत ने किस खेल में पहली बार भाग लिया है? इसका राइट आंसर है सी, क्रिकेट। भारत ने एशियन गेम्स 2022 में क्रिकेट खेल में पहली बार भाग लिया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चीन के गवांजू शहर में 2010 में एशियन गेम्स में क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था। अगला सवाल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ए, स्वर्ण पदक। एशियाई खेल 2022 में भारतीय क्रिकेट महिला टीम ने
स्वर्ण पदक जीता है। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। भारत ने श्रीलंका टीम को 19 रन से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। बारिश में रद्द हुए मैच के बाद बेहतर वरीयता के कारण भारत को स्वर्ण पदक मिला है। अगला सवाल, 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया था? इसका राइट आंसर है ए, अमूल। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2022 में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीते हैं? इसका राइट आंसर है डी, एथलेटिक्स। 19वें एशियन गेम्स में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक एथलेटिक्स में जीते हैं। आइए डिटेल्स में समझते हैं। भारत ने एथलेटिक्स में कुल 29 पदक जीते हैं, जिनमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2022 में भारत ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में जीते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, निशानेबाजी। भारत ने एशियन गेम्स 2022 में निशानेबाजी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। निशानेबाजी में भारत ने 7 स्वर्ण पदक के साथ कुल 22 पदक जीते हैं। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, नीरज चोपड़ा। एशियन गेम्स 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। आइए डिटेल्स में जानते हैं। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 88.88 मीटर फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2022 में भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा बी, घुड़सवारी। भारत ने एशियन गेम्स 2022 में घुड़सवारी में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाले घुड़सवारी टीम, सुदीप्ति हेजला, दिव्य कीर्ति सिंह, अनुष अग्रवाल और हृदय छेड़ा। अगला सवाल, 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं की 50 मीटर थ्री पोजीशन राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ए, शिफ्ट कौर समरा। आइए डिटेल्स में जानते हैं। समरा ने 469.6 का स्कोर किया, जो पिछले रिकॉर्ड से 2.6 से अधिक है। शिफ्ट कौर समरा एशियाई खेल 2023 में एकल प्रति स्पर्धा में भारत को स्वर्ण दिलाने वाली पहली एथलेटिक है। 19वें एशियन गेम्स 2022 में किस भारतीय राज्य के 3 खिलाड़ियों पर चीन ने एंट्री पर रोक लगा दी थी? इसका राइट आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। 19वें एशियन गेम्स 2022 में भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों पर चीन ने एंट्री पर रोक लगा दी थी। भारत के 3 वसु खिलाड़ियों नेमना वांगसु, ओनिलू तेगा और मेपंग लामगू को चीन ने एशियाई खेलों में एंट्री देने से वंचित कर दिया था। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जिताने वाली पहली महिला एथलेटिक कौन बनी है? इसका राइट आंसर है सी, अनु रानी। एशियन गेम्स 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में अनु रानी ने स्वर्ण पदक जिताने वाली पहली महिला एथलेटिक बनी है। अगला सवाल, एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, 4 वर्ष। एशियाई खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद किया जाता है। अगला सवाल, एशियाई खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, एशियाई ओलंपिक परिषद, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1982 को नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कुवैत सिटी कुवैत में है। एशियाई ओलंपिक परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं। इसके अध्यक्ष कौन हैं? शेख तलाला फहद अल सबा। अगला सवाल, एशियन गेम्स का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका राइट आंसर है ए, ब्राइट फुल राइजिंग सन। अगला सवाल,
एशियन गेम्स का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है डी, गुरुदत्त सोंधी। गुरुदत्त सोंधी को एशियन गेम्स का जनक कहा जाता है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गुरुदत्त सोंधी द्वारा भारत में एशियन गेम्स की शुरुआत की गई थी। एशियन गेम्स के नामकरण के लिए किसे जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, इस टेबल से पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। शूटिंग में 22 पदक, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। 7 स्वर्ण पदक में 2 स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा और 5 स्वर्ण पदक टीम स्पर्धा में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गोल्ड जीता है तो किस खिलाड़ी ने जीता है। शिव कौर समरा 50 मीटर थ्री पोजीशन राइफल में, पलक गुलिया 10 मीटर थ्री पोजीशन राइफल में, ईसा सिंह तोमर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने अलग अलग टीम स्पर्धा में 4-4 पदक जीते हैं। ईसा सिंह तोमर 1 गोल्ड 3 सिल्वर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह 2 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। एथलेटिक्स में 29 पदक जीते हैं जिनमें 6 गोल्ड 14 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज शामिल हैं। अविनाश मुकुंद सांबले 3000 मीटर स्पीटल चेंज में स्वर्ण पदक जीते हैं, 5000 मीटर में रजत पदक जीते हैं। तजिंदर पाल सिंह तूर शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। अन्नु रानी जेवलिन थ्रो स्वर्ण पदक जीता है। पारुल चौधरी 5000 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है। तीरंदाजी में 9 मेडल जीते हैं जिनमें 5 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। ओजस परवीन देवताले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, ज्योति सुरेखा वेनम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। ओजस परवीन और ज्योति सुरेखा वेनम मिश्रित टीम स्वर्ण पदक जीता है। आदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा वेनम और परमित कौर महिला टीम में स्वर्ण पदक जीता है। प्रथमेश समाधान, अभिषेक वर्मा और ओजस परमीन पुरुष टीम में स्वर्ण पदक जीते हैं। स्क्वैश में 5 मेडल जीते हैं जिनमें 2 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधु स्क्वैश मिक्स टीम में स्वर्ण पदक जीता है। बैडमिंटन में 3 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। सात्विक साई राज, रंकी रेड्डी, चिराग सेठी पुरुष युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। टेनिस में 2 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड 1 सिल्वर। रोहन भोपन्ना और ऋतुजा भोसले मिश्रित युगल टीम में स्वर्ण पदक जीते हैं। कबड्डी में 2 मेडल जीते हैं, दोनों गोल्ड मेडल है। महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और पुरुष टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। हॉकी, पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। कुश्ती में 6 मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। दीपक पुनिया 86 किलो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।